पॉइंट वन मोलर केवन ओ फोर रिक्वायर्ड टू एग्जैक्टली रिएक्ट विद टू एग्जैक्टली रिएक्ट विद टू एग्जैक्टली रिएक्ट विद 25 ml ऑफ 0.2 मोलर फेरस नाइट्रेट इन एसिडिक मीडियम इन एसिडिक कैसे करेंगे इस चीज को देखें, एक दो क्वेश्चन फिर आप बाद में ट्राई कीजिएगा। अपने को इन्होंने क्या बोला है कि अपने पास केवेनो फोर है और अपने पास फेरस नाइट्रेट है। फेरस का मतलब क्या है बेटा? Fe2+। ठीक है, FeNO3 का होल ट्वाइस, ये है अपने पास फेरस नाइट्रेट। अपने को पता है बेटा ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रोजन ऑलरेडी +5 पे है, आयरन +2 में, तो बेटा कहां जाएगा? आयरन जाएगा +3 में जाएगा। एसिडिक मीडियम की बात हो रही है, अगर बेटा एसिडिक मीडियम है तो Mn कहां जाएगा बताओ बेटा? +2। Mn +2 में जाएगा। ठीक है बेटा, ये बातें बंद कर दो, किसकी आवाज आ रही है, माइक बंद कर दो बेटा, क्लोज द माइक। चलो अब अपने को समझ में आता है क्या कि एज पर द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो इक्विवेलेंट्स केवन ओ फोर के रहे होंगे वही इक्विवेलेंट्स फेरस नाइट्रेट के भी रहे होंगे बेटा। अब बात आती है कि सर इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे अपन, तो अपने पास दो तीन फॉर्मूले थे, बेसिक सा फॉर्मूला लगा लो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, उसके बाद में क्या मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर इनटू वैलेंसी फैक्टर, जो भी आपको लगाना हो यू कैन। तो बेटा सबसे पहले वैलेंसी फैक्टर पता करो, यहाँ +7 में है और यहाँ +2 में है, तो बेटा इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 5। इसका वैलेंसी फैक्टर बताओ बेटा फेरस नाइट्रेट का, +2 से +3 में जा रहा है। ठीक है, तो बेटा वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया? 1। बेटा इसका इक्विवेलेंट बराबर करो, बताओ क्या लिखूं यहाँ पे? मोलैरिटी, मोलैरिटी 0.2 को बेटा 1/5 लिख सकता हूँ। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा? 25 ml। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर 25/100। 5 ml है तो बेटा उसको लीटर में लेने के लिए 1000 से भी डिवाइड करोगे। ठीक है, और इंटू एन फैक्टर बेटा कितना है? 5। और यही किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट्स ऑफ फेरस नाइट्रेट के। तो इसके इक्विवेलेंट्स कितने होंगे बेटा? अरे नहीं, ये तो फेरस नाइट्रेट का डेटा पुट कर दिया यार, इसका तो ये है ना KNO4 का 0.1। तो 0.1 मोलर वॉल्यूम अपने को पता नहीं है, वही तो पूछा है x/1000। ये वाला डेटा तो फेरस नाइट्रेट का है ना बेटा। ठीक है, इंटू एन फैक्टर कितना है बेटा? 5। अब इसके इक्विवेलेंट लिखो बेटा, तो क्या लिखोगे? मोलरिटी 0.2 है तो उसको 1/5 लिख सकते हैं। वॉल्यूम 25 ml है तो बेटा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इंटू एन फैक्टर कितना है बेटा? 1। यहां से एक्स जो आएगा वो किस में आएगा बेटा? ml में आएगा। ठीक है, निकाल के बताओ बेटा कितना आ रहा है एक्स? 0.1 को अपन लिख सकते हैं 1/10, ये और ये हो गया 2, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया? 5। एक्स बराबर 10 ml आ रहा है क्या बेटा? यस सर। चलो शाबाश, तो दिस इज आवर आंसर, एक्स बराबर 10 ml। आसान से क्वेश्चन रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इक्विवेलेंट बराबर कर दो। एक चीज और ध्यान रखना, अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन है, चलो मैं एक एग्जांपल के साथ लेता हूँ उसको देखेंगे। इसमें अपन ये भी तो कर सकते थे बेटा, इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बराबर इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन है, फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, फॉर रेडॉक्स रिएक्शन लिख लो बेटा। किसी को डाउट हो तो पूछ लिए, सभी को अनम्यूट की परमिशन है, चैट भी ओपन है। एक और क्वेश्चन करिए,
फाइंड मोल्स ऑफ KMnO4 फाइंड मोल्स ऑफ KMnO4 नीडेड टू ऑक्सीडाइज needed to oxidize a mixture containing सर प्लीज स्टार्टिंग लाइन बोल दीजिए पहले क्वेश्चन की. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ जो भी था KMnO4 वगैरह. ठीक है, नीडेड टू ऑक्सीडाइज अ मिक्सचर कंटेनिंग वन मोल ईच ऑफ बेटा क्वेश्चन जब आएगा ना अंग्रेजी में लिख के आएगा फेरस ऑक्सलेट, तो आपको पता होना चाहिए फेरस ऑक्सलेट का फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग. वहां पे इतना केमिकल फॉर्मूला लिख के नहीं दे रखा होगा. Fe3+ में होएगा. ठीक है, यस सर. शाबाश. एंड फेरस सल्फेट तो FeSO4 ये आपको दे रखा है. ठीक है, आपसे और मीडियम आपको दे मीडियम इन एसिडिक मीडियम. चलो बेटा शुरू हो जाओ. तो अच्छी बात क्या होती है हमारे पास इक्विवेलेंट कंसेप्ट में कि रिएक्शन आ रहा है बेटा कार्बन प्लस फोर में. ठीक है, पहले लेक्चर में भी कराया था. तो एक का चेंज है कार्बन तो फोर तो सल्फर तो ऑलरेडी प्लस सिक्स में है. ठीक है, तो सल्फर का तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, प्लस और भी प्रोडक्ट मिल रहे होंगे, अपने को तो टेंशन लेनी नहीं उनके बारे में. और इधर प्लस टू में है, कहां जाएगा प्लस थ्री में जाएगा. तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना आएगा बेटा बताओ, वन. अपन ऐसा भी बोल सकते थे सर इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर जीरो. आयरन प्लस थ्री इधर है, उधर भी प्लस थ्री, सल्फर प्लस है उधर भी प्लस है, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर जीरो बोल दें तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो बेटा आप क्या करेंगे, ये कौन है सर, ये है रिड्यूसिंग एजेंट और ये कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसका बैलेंसिंग फैक्टर बोलो बेटा कहां जाएगा, Mn प्लस टू में जाएगा, एसिडिक मीडियम है ना बेटा. ठीक है, एसिडिक मीडियम तो कहां जाएगा प्लस टू में जाएगा. तो इसका एन फैक्टर बोलो बच्चों, पांच. तो अपन क्या लिखेंगे, चलो शांत हो गए, शाबाश. आप सभी को अनम्यूट की परमिशन है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना. ठीक है, बाकी टाइम पे अपना माइक ऑफ रखें. अब बेटा जरा ये सोचो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन. तो नंबर ऑफ मोल्स मुझसे पूछे KMnO4 के, तो उसको मैं ए मान लेता हूं. इनटू एन फैक्टर कितना है, पांच. बराबर इसके बेटा वन मोल ईच बोला है, यानी इसके मोल्स कितने, एक, और इसका भी मोल कितना है, एक, और इसका भी कितना है, एक. इसका बैलेंसिंग फैक्टर तो जीरो है, तो इसको हटाई दो. तो बेटा इसके कितने आए बेटा बताओ, इसका इसका नंबर ऑफ मोल्स एक है और बैलेंसिंग फैक्टर कितना है, तीन. प्लस इसके नंबर ऑफ मोल्स तो एक है क्योंकि वन मोल ईच लिखा है ना, या सबका एक एक मोल है, तो इसका कितना आया, वन, और इसका बैलेंसिंग फैक्टर वन. तो बेटा ए बताओ कितना आ गया, चार बटा पांच. यस सर, चार बटा पांच कितना होता है, पॉइंट एट. तो कितने मोल्स आ गए, पॉइंट एट आ गए. ठीक है, छाप लो बच्चों. कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लो. अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों.
सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑर्थोफॉस्फोरिक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जानते हो बेटा कौन होते हैं? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड आर न्यूट्रलाइज्ड सेपरेटली by same amount of बेटा मोनो एसिडिक बेस का क्या मतलब होता है? 1H+ एक OH माइनस पर मॉलिक्यूल। अरे एसिडिक बेस की बात कर रहा हूँ, H प्लस होना देगा यार बेस, ठीक है? Yes, sir. By same amount of mono acidic base. When sulfates and dihydrogen phosphate. Dihydrogen phosphate क्या होता है बेटा बताओ? डाइहाइड्रोजन ऑर्थो फॉस्फेट अंग्रेजी में आएगा तो ऐसे नाम लिखे होंगे, ये सारे नाम आपने बिन में पढ़े होंगे क्लास 11th में। बाय डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आर फॉर्म्ड रेस्पेक्टिवली फुल स्टॉप। Find the ratio of number of moles of both the acids. Find the ratio of number of moles of acids. The ratio of number of moles of acids. चलो बेटा आप ऊपर देखो सभी लोग, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा। डिस्टर्बेंस आ रही है, चलो शांत हो गए वो लोग। और बेटा अपने पास ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4। इन्होंने क्या बोला है कि अलग अलग रिएक्शन करा रहे हैं, सेपरेटली शब्द का यूज किया है ना, अलग अलग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब अलग अलग रिएक्शंस करा रहे हो। और किससे बेटा न्यूट्रलाइज करा रहे हो? मोनो एसिडिक बेस। तो मोनो एसिडिक बेस कोई बेटा रहा होगा MOH टाइप का, किसी टाइप का तो रहा होगा बेटा, जिसका मोनो एसिडिक बेस यही तो है जो पर मॉलिक्यूल एक OH माइनस रिलीज करे। तो यहां भी क्या आपने सेम लिया है, ठीक है? अच्छा रिएक्शन करने पे क्या बनाया इन्होंने प्रोडक्ट देखो, इसमें बनाया है सल्फेट। जब सल्फेट बनाया तो बेटा SO4 2- बना होएगा, और यहाँ क्या बनाया है बेटा? डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट। डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट क्या होता है बेटा? H2PO4-, इसको बोलते हैं डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। समझ में आया बेटा? अरे फॉस्फेट है तो प्लस 5 में रहेगा ही रहेगा, ठीक है? अरे बिन में नाम पड़े होंगे ना बेटा, फॉस्फेट वगैरह प्लस 5 के लिए यूज करते हैं, ठीक है? चलो अब इन्होंने क्या बोला है कि इसके मोल्स का पता करना है, तो इसके मैं मोल्स N1 मान लेता हूँ, इसके मोल्स में N2 मान लेता हूँ। बेटा इसका वैलेंसी फैक्टर बताओ कितना है H2SO4 का, यहाँ पे एक या दो? टू। फटाफट बोलो वैलेंसी फैक्टर 2। और नीचे वाली रिएक्शन में H3PO4 का 3 या 4 या 2 या 1? आंसर है 1। एसिड्स का क्या होता है? एक H कम हुआ है, रिप्लेस हुए। तो बेटा एक रिप्लेस हुआ। यस सर। तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1। अच्छा इन्होंने क्या बोला है कि इसका सेम अमाउंट खर्च हुआ, तो मैं मान लेता हूँ इसके इधर भी B मोल्स खर्च हुए और इधर भी
बी मोल्स खर्च हुए, ठीक है, इसका बैलेंसिंग फैक्टर एक और इधर भी एक, क्योंकि मोनो एसिडिक है ना बेटा, ठीक है। चलो अब क्या करें बेटा बताओ, ऊपर वाली रिएक्शन लिख दें, इक्विवेलेंट बराबर कर देता हूं मैं, इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 बराबर इक्विवेलेंट ऑफ MOH। तो बेटा क्या इक्वेशन आ जाएगी, इक्विवेलेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर बराबर इसके कितने आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स B मान लिए अपन ने और इनटू वैलेंसी फैक्टर 1। नीचे रिएक्शन लिखो बेटा, तो यहां पे क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो बेटा यहां से क्या है, बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, एन टू, बी बराबर एन टू, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देता हूं तो कितना आ गया बेटा बताओ, एन टू। तो उन्होंने पूछा क्या है, एन वन अपॉन एन टू, यही तो पूछा, रेशियो बेटा, तो रेशियो कितना आ गया, एन वन अपॉन एन टू, 1/2 आ गया क्या। यस सर, ठीक है, चलो छाप लो बेटा। ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दी, ठीक है, समझ में आया बच्चों सभी को। यस सर, चलो शाबाश, किसी को कोई डाउट हो भैया तो लिख देना चैट में, चाहे माइक ओपन करके बोल देना। आपका काम इतना होना चाहिए कि कैसे भी करके इस फॉर्म में लिख लो, क्योंकि अपने को फिर सीधा सीधा दिखता है, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती अपने को। लिख लिया बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखो। अब मेक श्योर ऑफ H2C2O4 एंड Na2C2O4 रिक्वायर्स रिक्वायर्स इक्वल वॉल्यूम्स रिक्वायर्स इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.1 मोलर KNO4 रिक्वायर्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर KNO4 एंड पहले तो इसका मीडियम लिख लो, एसिडिक मीडियम, एंड 0.2 मोलर CaOH का होल ट्वाइस इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट एंड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। बोले स्टॉप, कैलकुलेट मोल रेशियो ऑफ द टू, कैलकुलेट मोल रेशियो ऑफ द टू। चलो बेटा शुरू हो जाओ, आप करोगे मैं करूं बेटा इसको। हाँ बेटा हम लोग करेंगे, कर रहे हैं, चलो ट्राई करो, ट्राई करते हैं। हाँ ट्राई करो बच्चों,
5:6 आ रहा है सर। पता नहीं बेटा, मेरे पास आंसर नहीं है, अपन सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। चलो बेटा इतना लिख लिया, हाँ चलो सॉल्व करते हैं। पहले रिएक्शंस को बेटा इस रूप में लिख लो जिस तरीके से मैंने लिखा है, फिर समझाता हूँ मैं आपको। केवल ऊपर वाली रिएक्शन लिखना, नीचे वाली नहीं। अपने को इन्होंने क्या बोला है, अपने पास H2C2O4 है और Na2C2O4 है, तो अपने को ये समझ में आता है बेटा कि अगर आप KNO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो KNO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे ये कैसे एक्ट करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, क्योंकि कार्बन यहाँ भी +3 में ऑक्सलेट में बैठा हुआ है और यहाँ पे भी ऑक्सलेट में कितना बैठा हुआ है बेटा, +3 में बैठा हुआ। ये ऑक्सलिक एसिड है, ये ऑक्सलेट है, ठीक है। दोनों में कार्बन कितने में बैठा हुआ है, +3 में। तो भैया कार्बन +3 से कहाँ जाएगा, +4 में जाएगा। तो आप जरा ये बताएं बैलेंसी फैक्टर इसका कितना जाएगा, +3 से जा रहा है +4 में, एक का चेंज है, नंबर ऑफ एटम 2 है, तो इसका बैलेंसी फैक्टर 2। सिमिलरली इसका भी बैलेंसी फैक्टर 2। मेरे को मोल्स इन्होंने रेशियो पूछा है, तो मैंने एक के मोल्स N1 मान लिए और एक के मोल्स N2 मान लिए। तो बेटा बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूं इक्विवेलेंट्स रिड्यूसिंग एजेंट के बराबर, बताओ बेटा। N1 into 2 plus N2 into 2, ठीक है। ये इसके इक्विवेलेंट्स हो गए और ये इसके इक्विवेलेंट्स हो गए बराबर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना आएगा, इन्होंने बोला है इक्वल वॉल्यूम्स यूज हो रही है KNO4 की भी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की भी, तो इसके मैं वॉल्यूम 20 लीटर्स मान लूं, बताओ बेटा। अरे 20 लीटर्स मान लो यार, इन्होंने वॉल्यूम थोड़ा दी अपने को। तो इक्वलेंट्स क्या होते हैं बेटा, मोलरिटी, मोलरिटी कितनी है KNO4 की, 0.1 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, वो मैंने 20 लीटर्स मान ली, ठीक है, और इंटू एन फैक्टर एसिड इक्विलिब्रियम में कितना आएगा बेटा, 5। तो आपके पास क्या एक इक्वेशन ये आ गई, क्या इक्वेशन आ गई ये, इसको भी 1/10 ही लिख सकता हूँ, और ये कितना आ गया 1/2, और ये कितना आ गया 2 इधर आ जाएगा। तो बेटा N1 plus N2 बराबर B/4 आ गया क्या बेटा, बताओ। यस सर। हाँ यस सर। कोई तकलीफ किसी को यहाँ तक? नो सर। पक्का? चलो आगे वाली रिएक्शन पे आओ। अब बेटा जो नीचे वाली रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये बेस है ऑक्सलेट, ये भी बेस है बेटा, तो बेस के साथ रिएक्शन तो बेस करेगा नहीं, लेकिन ये है एसिड ऑक्सलिक एसिड, तो ये ऑक्सलिक एसिड इस बेस के साथ रिएक्शन कर जाएगा। अब बात ये आती है सर, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन माने या पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन माने, बताओ बच्चों, बोलो बच्चों। कंप्लीट कुछ नहीं दे रखा है, चुपचाप कंप्लीट मान लो, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने माने थे अपन ने ऊपर, N1, बैलेंसी फैक्टर 2। तो अब की मैं क्या करूंगा बेटा, इक्विवेलेंट्स ऑफ H2C2O4 C2O4 से क्यों नहीं रिएक्ट करें भैया, वो बेस है ना यार, C2O4 2-, ये भी बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो भी बेस है, तो बेस के साथ बेस रिएक्शन करेगा ही नहीं बेटा, ठीक है। बराबर इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बेटा क्या क्या लिखोगे यहाँ पे, N1 into 2 बराबर वॉल्यूम, तो इन्होंने सेम बोला है इक्वल वॉल्यूम, तो इसकी अगर 20 लीटर्स मानी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की भी कितनी आएगी बेटा, 20 लीटर्स ही आएगी। तो क्या लिखूंगा, मोलरिटी 0.2 को 1/5 लिख दूं क्या, मोलरिटी 0.2 है ना बेटा, मोलरिटी 0.2 है, उसको मैं 1/5 लिख दे रहा हूं, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 20 लीटर्स इंटू एन फैक्टर 2। तो बेटा एक लेशन हमारे पास क्या आ गया, ट्रिंग और ट्रिंग, N1 बराबर 20 लीटर्स / 5, तो यहां वैल्यू पुट कर दो बेटा इसकी,
V liters 5 5. तो बेटा N2 कितना आ जाएगा जरा बताओ, V by 4 माइनस V by 5 कितना आता है? V by 20. V by 20. V liters. तो अपने को N1 upon N2 पूछा है, तो N1 कितना है V liters by 5 और N2 कितना है बेटा V liters by 20. तो रेशियो 4 का आ गया क्या बेटा? Yes sir. Yes sir. रेशियो कितना आ गया? 4. तो this is your answer. N1 by N2. क्वेश्चन आसान से ही होते हैं, बस एक बार इक्वेशन लिख लो, बैलेंसिंग फैक्टर लिख लो, बाकी अपने को पता है इक्विवेलेंट बराबर करने, बात खत्म. कोई डाउट बैठ गया किसी को? सर उसके सर दोनों H प्लस क्यों निकाल दिए भैया? यहाँ पे जब कुछ बोल नहीं रखा है ना तो अपन कंप्लीट यूटिलाइजेशन मान लेते हैं, या तो आप मुझे सर, लिख के दो. नहीं सर, अगर CaOH twice की जगह अगर NH4 प्लस होता वीक बेस तो क्या होता? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह क्या होता? कोई भी सर वीक बेस होता, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. यूटिलाइजेशन रिएक्शन होगी तो सारे ही चले जाते हैं ना, वीक की कराओगे तब भी हो जाता है. ठीक है, ये भी तो वीक ही है. H2C2O4 कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? वीक ही एसिड तो लिख के घूम रहा है सर. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो. एक क्वेश्चन करो बेटा. थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन करो, मजा आएगा. बेटा जरा ये बताओ, क्या वैलेंसी फैक्टर रिएक्शन टू रिएक्शन चेंज हो सकता है? यस सर. ठीक, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे अपन ने H3PO4 लिया था तो अपन जानते हैं उसका वैलेंसी फैक्टर कैन बी 3, कैन बी 2, कैन बी 1. ठीक है बेटा, बोर्ड के क्लियर नहीं दिख रहा है? क्लियर सर. अनुराग जी आपका नेट स्लो होगा बेटा. गगन जी पूछ रहे हैं सर ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन Na2C4 Na2C2O4 से नहीं हो सकती क्या? यार है तो वो भी बेस, लेकिन वो उससे कहे करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ही निपटाएगा, उससे नहीं करेगा बेटा. अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों. 100 ml, मुझे ही लिखना पड़ेगा यार, रुको. 100 ml गगनदीप जी, जो आप पूछ रहे हैं ना, आपने क्वेश्चन बढ़िया पूछा है, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि और लगा लेते तो मुझे और अच्छा लगता, लेकिन आपने इतना चलाया है तब भी मैं खुश हूँ. मिक्सचर दे रखा है ना, अगर आप जो बोल रहे हैं सर रिएक्शन अगर इनकी हो सकती तो बेटा मिक्सचर में ही ये नहीं बसते हमारे पास. ठीक है, जो आप बोल रहे हैं उससे नकारा नहीं जा सकता कि सर इनकी भी तो रिएक्शन आपस में हो सकती है कि इसको ये प्रोटोनेट कर दे, लेकिन मिक्सचर में बोला क्या गया, हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है और ऑक्सैलेट है. अगर रिएक्शन हो रही होती तो भैया हमारे पास कुछ हो ही नहीं, वो कुछ और लिख के देते. ठीक है, देखो बेटा 100 ml 0.5 मोलर के MnO4 रिएक्ट्स विद 100 ml 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 इन एसिडिक मीडियम. ठीक है, आगे क्या बोला है? The excess KMnO4 required. The excess KMnO4 requires. Point one molar. Na2H2O3 in basic medium
in basic medium to form Na2SO4 and कुछ नहीं बोला आगे. Find volume of Na2H2O3 for complete reaction. चलो बच्चों ट्राई करो आप लोग, ये थोड़ी सी बुद्धि चलाओ. बेटा जरा ये बताओ बेसिक मीडियम में एमएन कितने में जाएगा प्लस 7 से, बताओ बच्चों. प्लस फोर में जाएगा. शाबाश. और अगर क्वेश्चन में कुछ और दे रखा हो तो क्वेश्चन से लड़ाई नहीं लड़ते, ध्यान. जो क्वेश्चन बोले उसे चुपचाप मान के सॉल्व कर दो. क्योंकि जेई 2020 में एक एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, बड़ा आसान सा ही था. उन्होंने रिएक्शन गलत दे रखी थी और क्वेश्चन बड़ा आसान था, ये इक्विवेलेंट का ही आया था. तो बच्चे बोले अरे सर ये रिएक्शन तो होती नहीं, हम तो कंफ्यूज हो गए, हमने क्वेश्चन ही छोड़ दिया गलत मान के. जबकि जेई ने जो रिएक्शन दे रखी थी उसी के करेस्पॉन्डिंग आंसर दिया अपना. तो अपने को क्या करना है, क्वेश्चन से लड़ाई नहीं. हाँ बेटा सर बोनस नहीं दिया. अरे क्यों देंगे, वो जब उन्होंने रिएक्शन दे रखी तो आप भाई मानो ना, अपना दिमाग क्यों लगाना बेटा. क्वेश्चन से लड़ाई नहीं लड़ते. अच्छा ठीक है, तुम रास लीला हम करे तो करेक्टर ढीला. नालायक. चलो बेटा ये कहाँ जाएगा, एमएन प्लस फोर में जाएगा. ऑक्सैलिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर बोलो बेटा. दो. यहाँ पे इसका वैलेंसी फैक्टर बोलो. थ्री. इसका वैलेंसी फैक्टर बोलो. यहाँ प्लस दो में, यहाँ छह में गई है तो चार, चार इंटू दो आठ. ठीक है ये हो गया. और इसके कितने दे रखे, पॉइंट वन मोलर. पॉइंट वन मोलर को 1/10 लिख देता हूँ मैं. और वॉल्यूम कितनी दी है भाई, तो पूछी है तो मैं 20 लीटर्स मान लेता हूँ. बी लीटर बराबर एक्स, एक्स मान लेता हूँ. बार बार बी लीटर लिखना मुश्किल होता है तो लीटर्स में ही मैं उसको डायरेक्ट एक्स मान लेता हूँ. ठीक है क्वेश्चन पढ़ा बेटा आप लोगों ने. क्वेश्चन में देखो 100 ml 0.5 molar KMnO4 था, उसको आपने रिएक्ट कराया ऑक्सैलिक एसिड से. ऑक्सैलिक एसिड का भी डेटा दे रखा है, 0.1 molar को 1/10 लिख देता हूँ. और वॉल्यूम दे रखी है 100 ml, 100 ml को मैं 1/10 liters लिख देता हूँ. ठीक है ये अपने को डेटा दे रखा है. और इन्होंने क्या बोला कि भैया ऊपर वाली रिएक्शन हुई और उन्होंने ये बोला था एक्सेस KMnO4 रिक्वायर्स. तो बेटा जरा ये बताओ क्या पूरी की पूरी वॉल्यूम इसकी जो 100 ml KMnO4 थी खत्म हो गई क्या, बताओ बेटा येस और नो. ऊपर वाली रिएक्शन में क्या पूरा का पूरा 100 ml यूज हो गया क्या.
नो सर, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था एक्सेस के मेनो फोर रिक्वायर्ड, नीचे वाली रिएक्शन में आया है ना, तो ऊपर जिंदा बचा होगा तभी तो नीचे आया, ठीक है। तो इसका मतलब केवेनो फोर पूरा का पूरा खत्म नहीं हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं मान लेता हूं कि वो AML यूज हो गया। कितना हो गया बेटा? AML यूज हो गया, ठीक है। चलो अब इक्विवेलेंट लगाओ बेटा, तो इसके इक्विवेलेंट कितने लिखोगे? AML की जगह AML ही लिख दो यार, कोई बात नहीं। चलो बेटा इक्विवेलेंट बोलो, मोलरिटी हाफ, वॉल्यूम AML है तो 1000 से डिवाइड कर दो, इनटू बैलेंसी फैक्टर 5 बराबर। आगे बोलो बच्चों, इसके इक्विवेलेंट तो मोलरिटी 1/10, वॉल्यूम 1/10 और बैलेंसी फैक्टर 2, ठीक है। यहां से ए बताओ बेटा कितना आ रहा है सॉल्व करके, ये ट्रिंग और ये ट्रिंग और ये ट्रिंग और ये ट्रिंग, 8 आ रहा है क्या? Yes, sir. 8 ml आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो अब देखो बेटा, टोटल वॉल्यूम थी कितनी KMnO4 की? 100 ml। ऊपर कितनी खत्म हो गई? 8 ml। तो नीचे बची कितनी बेटा बताओ? 92 ml। अच्छा सोल्यूशन की मोलरिटी तो सेम ही रहेगी, सोल्यूशन तो चेंज कर नहीं रहे हो, तो 0.5 मोलर की को मैं हाफ मोलर भी लिख सकता हूँ। अब उन्होंने क्या बोला है, नीचे हाइपो से रिएक्शन कराई। ध्यान रखना Na2H2O3 हाइपो सोल्यूशन भी कहलाता है, ठीक है, आपको ये ग्रुप 16 में बताया भी था। तो बेटा अपन क्या बोला है इन्होंने क्वेश्चन में कि द एक्सेस KMnO4 रिक्वायर्स हाइपो इन बेसिक मीडियम फॉर कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। ऐसा इन्होंने बोल रखा है कि नीचे रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो बेटा क्या नीचे सारा KMnO4 खत्म हो गया? यस सर। दोनों के इक्विवेलेंट बराबर करा दो, इक्विवेलेंट कितने? हाफ मोलरिटी इनटू वॉल्यूम 92 ml, तो लीटर्स के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू बैलेंसिंग फैक्टर। बेटा बेसिक मीडियम में Mn प्लस 7 से कहाँ जाएगा? प्लस 4 में जाएगा, बैलेंसिंग फैक्टर 3 का आएगा बेटा, तो बैलेंसिंग फैक्टर 3 बराबर। इधर कितना आ जाएगा? इसके इक्विवेलेंट लिखो बेटा, तो मोलरिटी है 1/10, वॉल्यूम लीटर्स में कितनी मान रखी है आपने? x, ठीक है, तो इस 2x ही लिख दो, और वैलेंसी फैक्टर 8 है। तो बेटा अपने से पूछा है कि Na2H2O3 की वॉल्यूम, तो ये x की वैल्यू ही पूछी है। तो बेटा बताओ कितना आया, सॉल्व कर लोगे क्या आगे? x गंदा संदा आएगा, सॉल्व कर लोगे? बच्चों ये सॉल्व कर लोगे ना आगे x? सर वैलेंसी फैक्टर 8 कैसे आया? ये लीटर्स में आएगा, ये एक्स लीटर्स में, ठीक है। एमएल में पूछा तो एमएल में कन्वर्ट कर लेना, इतना तो कर ही लोगे आप लोग। बैलेंसिंग फैक्टर 8 ऐसे आया बेटा, आप खुद देखो Na2H2O3 में सल्फर प्लस 2 में है, ठीक है, यहाँ कितने में बेटा? प्लस 6 में है। कितने का चेंज है? 2 से जा रहा है 4, 6 में, तो 6 4 का चेंज है, 4 × 2 कितना आ गया बेटा, ठीक है, तो इसीलिए अपन ने 8 लिख दिया। एक्स निकाल लेना आ जाएगा, ठीक है, जो भी आ रही हो x की वैल्यू, शायद 172 आती है। कितनी आ रही है आप लोगों की? 172 समथिंग आती है। Yes, sir, आ रही होगी, x लीटर्स में आ रहा होगा 0.1725, और जब ml में लोगे तब 172.5 आ जाएगा, ठीक है, आगे तो कर ही सकते हो यार, एक्सपोज़ तो सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। अरे एक चीज मुझे ये बताओ, छोटी सी बात सुनना, अपन ऐसा भी तो कर सकते थे बेटा, एक चीज मैं बोल रहा हूँ आप बताना है कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ उसको, ठीक है। अगर मैं ऐसा करूं, मेरे को इसके 100 ml दे रखे KMnO4 के, मैं ऊपर वाली रिएक्शन से इसके इक्विवेलेंट्स निकाल लूं, क्योंकि मुझे बैलेंसिंग फैक्टर भी पता है, मोलरिटी भी गिवन है, और वॉल्यूम तो 100 ml दे ही रखी है, तो मैं इक्विवेलेंट निकाल लूं इसके। सर बट 100 ml तो नहीं दूंगा। अरे नहीं सुनो, तो पूरी बात तो सुनो बेटा, इसके मैं इक्विवेलेंट निकाल लूं और मैं देख लूं कि इक्विवेलेंट कितने रिएक्ट हो रहे हैं ऊपर वाली रिएक्शन में, तो कितने इक्विवेलेंट रिएक्ट हो रहे हैं? जितने इसके हैं, तो कितने यूज हो रहे थे बेटा? लेट्स से भी आ रहा हो, ठीक है, तो मैं ऊपर वाले में देख लूं कि कितने इक्विवेलेंट रिएक्ट हो रहे हैं,
मेरे पास टोटल जितने इक्विवेलेंट से जितने खत्म हो रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दूं और नीचे वाले रिएक्शन में सीधे इक्विवेलेंट वही लिख दूं, बताओ सही है या गलत। ऋषभ जी का आंसर आ चुका है और ऋषभ जी ने सही आंसर दिया है, सही बोल रहे हैं। सही है सर। नहीं गलत है बेटा, वो इसलिए गलत है क्योंकि बेटा देखो बैलेंसिंग फैक्टर चेंज हो रहे हैं, अगर बैलेंसिंग फैक्टर चेंज हो रहा है तो बेटा आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी चेंज हो जाएंगे, समझ में आया बेटा? Yes, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते क्या, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। तो हमेशा ध्यान रखें व्हेनेवर यू आर जंपिंग फ्रॉम वन रिएक्शन टू अनदर रिएक्शन आप हमेशा मोल्स में चले। मोल्स का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मोलैरिटी तो अपने को पता ही है 0.5 ही रहेगी, तो मैं वॉल्यूम में लेके चला, मैं इक्विवेलेंट में लेके नहीं चला। इक्विवेलेंट में आंसर तब सही आ सकता है आपका जब बैलेंसिंग फैक्टर सेम आ रहा हो, तब आपका सही आ जाएगा, लेकिन हमेशा सही होगा वो उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बैलेंसिंग फैक्टर चेंज हो गया तो आप वहीं पे गलत हो जाओगे। इतना समझ में आया बच्चों? यस सर। तो इस चीज को दिमाग में रखेंगे कि अगर आप एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन जा रहे हो मोल्स लेके चलना, इक्विवेलेंट लेके मत चलना अंटिल एंड अनलेस आपके बैलेंसिंग फैक्टर सेम हो। तो अपन रिस्क नहीं लेते, अपन तो सीधा बोलते हैं कि भैया मोल्स में कहानी लेके चलो, ठीक है? यस सर। 11 चलो तैयार है। हाँ बेटा शाबाश। अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों। हंड्रेड ml केमेरो 4। हाथ तो हाथ थक जाएगा लिखते लिखते, बोल दीजिए हम लोग लिख लेंगे। नहीं नहीं डेटा छूट जाएगा फिर और दिक्कत ही हो जाएगी। 100 ml केवेनो 4 इज यूज्ड टू टाइट्रेट, अरे टाइट्रेशन शब्द मत यूज करो, इज यूज्ड टू रिएक्ट विद, इज यूज्ड टू रिएक्ट विद 100 ml। अच्छा बेटा इतना तो जानते हो ना, कहीं पे लिखा हो 0.2 n, तो n का मतलब क्या, मोलरिटी नॉर्मेलिटी, इतना समझ जाना ठीक है कि नॉर्मेलिटी दे रखी है। और नॉर्मेलिटी के रेस्पेक्ट में इक्विवेलेंस का क्या फॉर्मूला होता है बेटा बताओ? नॉर्मेलिटी वॉल्यूम, n फैक्टर नहीं, वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, वो तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू बैलेंसिंग फैक्टर होता है। 100 ml केवेनो 4 इज यूज्ड टू रिएक्ट विद 100 ml 0.5 मोलर फेरस ऑक्सलेट FeC2O4 इन एसिडिक मीडियम इन एसिडिक मीडियम। अगला लिखो बेटा द एक्सेस केमेनो 4 रिक्वायर्ड, द एक्सेस केमेनो 4 रिक्वायर्ड 100 ml SnSO3 100 ml SnSO3 in basic medium. In basic medium to form our code 2 minus and find concentration of KMnO4 solution taken. या find molarity लिख लो, वरना कोई कहेगा सर concentration में तो मैं normality भी बता सकता हूँ, तो molarity लिख लो, find molarity of the KMnO4 solution। चलो बेटा शुरू हो जाओ, बढ़िया प्रश्न है करो।
इसी फॉर्म में सजा लिया करो जिस तरीके से मैं ये रिएक्शन लिख रहा हूँ, बात खत्म। जो काम काम की चीज हो वो लिख लो, बाकी प्रोडक्ट हटा दो, बैलेंसिंग करने की जरूरत है नहीं। एसिडिक मीडियम में तो Fe+3 में जाएगा CO2, इसका वैलेंसी फैक्टर वो बच्चों 5 शब्द, और इसकी वॉल्यूम पता नहीं क्या है। हाँ नहीं 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 ऐसे मत मानो, K1O4 की वॉल्यूम हमें क्या पता कितना यूज हुई, क्योंकि इन्होंने बोला है ना एक्सेस K1O4 रिक्वायर्ड, तो यानी नीचे भी बचा है, तो अपने को नहीं पता ये खत्म हुआ। तो 100 माइनस है, आप ऐसा भी कर सकते हो AML मान लो फिर नीचे टू फॉर्म। अच्छा बेटा एक चीज जरा नीचे वाली रिएक्शन में देखो बेटा, अपने को इन्होंने क्या दिया है SnSO3 दिया है, जहां टिन प्लस टू में बैठा सल्फर प्लस फोर में बैठा, और ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर अपने को प्रोडक्ट ना ही भी गिवन होते, ठीक है उन्होंने दे रखे हैं, अगर ना भी गिवन होते तो अपन इसका प्रोडक्ट तो बता ही सकते थे, SN+2 से ऑक्सीडाइज होके कहां जाएगा प्लस फोर में जाएगा, सल्फर चार से उठ के कहां जाएगी प्लस सिक्स में जाएगी, ठीक है इतना तो अपन को पता ही था। और ध्यान रखना इस बार इन्होंने MnO4 2- दिया है, यानी Mn कितने में बेटा प्लस सिक्स में है, ठीक है इस चीज का ध्यान रखना। चलो बैलेंसिंग फैक्टर इसका कितना आएगा, प्लस सेवन से प्लस सिक्स में जा रही है तो एक, इसका बैलेंसिंग फैक्टर बोलो बच्चों, दो से चार में जा रहा है तो दो, और इधर चार से छह में जा रही है तो दो, तो दो प्लस दो कितना हो गया बेटा चार हो गया क्या, ठीक है यस सर। और बेटा क्या दे रखा है, मोलरिटी है 1/5 और वॉल्यूम है 100 ml को मैं 1/10 liters लिख दे रहा हूँ, ठीक है चलो आंसर 1.1 है, पॉइंट हो सकता है बेटा आंसर इसका है, हाँ 1.1 आ रहा है बेटा, यही आया क्या आपका, यस सर चलो शाबाश। अब देखो बच्चों इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप एक तरीका तो ये है कि ऊपर मान लो इसकी कितनी यूज हो रही है AML, नीचे कितना यूज हो रहा है 100 - AML, कॉन्सेंट्रेशन मान लो बी मोलार, यहाँ पे भी कितनी कॉन्सेंट्रेशन बी मोलार, तो बेटा दो इक्वेशन बनेंगी ए और बी में, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर सकते हो, यस सर हो गया, ठीक है उस तरीके से कर लेना। दूसरा तरीका एक मैं बता रहा हूँ कि मान लो ऊपर कितने मोल यूज हो रहे हैं N1 और नीचे कितने यूज हो रहे हैं N2, इतना मान सकता हूँ क्या, यस सर मोल्स में मैं चल रहा हूँ मेरी इच्छा, ठीक है बाद में उसको देख लेंगे मोलरिटी वगैरह में। तो यहाँ से बेटा इक्विवेलेंट्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स N1 इनटू वैलेंसी फैक्टर 5 बराबर इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोलरिटी बेटा हाफ, वॉल्यूम 1/10 liters लिख सकता हूँ 100 ml को, तो 1/10 liters इनटू वैलेंसी फैक्टर 3, तो बेटा N1 कितना आया बताओ, यहाँ से N1 कितना आ गया 3/100 आ गया, सही बोल रहे हो शाबाश। अच्छा नीचे वाली रिएक्शन लगाते हैं तो यहाँ से कितना आएगा N2 into valency factor कितना है 1, number of moles into valency factor, इधर कितना आएगा बेटा 1/5 into volume 1/10 into valency factor 4, तो कितना आया बच्चों ये 4/50 4/50 4/50 है ना, तो मैं इसको 8/100 लिख सकता हूँ, यस सर यस सर
आठ बटे सौ लिख सकता हूँ मैं इसको। सौ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सौ है ना, तो एलसीएम जोड़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो बेटा टोटल मोल्स ऑफ K1O4 कितने यूज हुए बेटा बताओ, N1 प्लस N2, इतने ही तो यूज हुए। यस सर। तो N1 प्लस N2 कितना आ गया यहाँ से, 3/100, और यहाँ से कितना आया बेटा, 8/100, तो कितने हो गए बेटा, 11/100। ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होती है, मोलरिटी, उसको M मान लेता हूँ, इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। वॉल्यूम कितनी है बेटा बताओ, 1/10 liters, अरे 100 ml है ना। यस सर। ठीक है, किसी को डाउट हो तो भैया पूछ लो यहीं पे, सॉल्व करो। एम सॉल्व करोगे कितना आ रहा है, 1.1 आ रहा है। ठीक है, तो एक ये दूसरा तरीका है मोल से चलने का। भैया किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो। सारे बच्चों को समझ में आया क्या? यस सर। चलो शाबाश। अरे नीचे का तो दिख ही नहीं रहा है, 8/100, मैं लिख देता हूँ छोटा छोटा। एन टू यहां से आ जाएगा 8/100। सर ये भी लेकर कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे बेटा ए बी को लेकर कैसे प्रोसीड करेंगे? अरे तो ऊपर मान लो ए एम एल यूज हो गया, नीचे मान लो बी एम एल यूज हो गया। ठीक है, और आप ऐसे ही इक्वल्स टू 100 और बाकी उसका, हाँ सीधे मान लो ऊपर ऊपर ए एम एल यूज हो गया, नीचे 100 माइनस ए यूज होएगा क्या? ऐसा भी करते हैं अपन। और मोलरिटी मान लो बी। ठीक है, ऊपर वाली रिएक्शन में मान लेना ए एम एल यूज हो गया, नीचे वाली रिएक्शन में 100 माइनस ए एम एल, मोलरिटी मान लेना बी, तो मोलरिटी तो दोनों जगह सेम ही रहेगी, वी ओ बी सॉल्व कर लेना फिर। ठीक है, चलो बेटा रब कर दूं इसे, समझ में आया? चलो मैं तो 100 एम एल का कोई यूज ही नहीं हुआ। किसका बेटा? KMNO4 क्यों नहीं बेटा यूज हुआ, ये 100 ml ही तो लिखा है, 1/10 liters। हाँ हाँ, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मोल हंड्रेड एम एल टू मोलर KMNO4 रिएक्ट्स विद हंड्रेड एम एल पॉइंट वन मोलार एन ए टू सी टू ओ फोर। इन एसिडिक मीडियम remaining KMNO4 reacts with 100 ml point 1 molar SNS to form MnO2.
बेटा अभी तक अपन ने दो रिएक्शन वाले करे थे ना, अब अपन तीन रिएक्शन वाला करेंगे. Which requires ऑफलाइन वालों की 3 से 6 बोर्ड क्लास रहती है. कल कितने बजे अपनी क्लास? 6:30 पर. 6:30 पे कोई कह रहा 3, चलो जो भी होगा देख लेंगे यार. आप लोगों की तो क्लास है ही, ऑफलाइन वालों को मैं देख लूंगा. फाइनल मोला एनेट वर्स्टो 3. बेटा कहीं क्वेश्चन में टाइट्रेशन शब्द लिख के आ जाए, बैक टाइट्रेशन शब्द लिख के आ जाए, आप तो चुपचाप उसको रिएक्शन शब्द पढ़ के और सॉल्व कर देना. ठीक है, घबराना मत कि सर ये टाइट्रेशन शब्द आगे आ रहे हैं, ये क्या होता है. चलो बच्चों करो, मजा आएगा. क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, इक्विवेलेंट बराबर करते रहो, और कुछ भी नहीं आता इनमें. 70% 80% ऑफ द क्वेश्चंस आर दिस वे ओनली. चलो बेटा शुरू हो जाओ. सर लास्ट लाइन क्या लिखी है? फाइंड वॉल्यूम ऑफ हाइपोसॉल्यूशन रिक्वायर्ड. फाइंड वॉल्यूम ऑफ हाइपो. हाइपो जानते हो ना बेटा? यस सर. कम. यस सर. हाँ शाबाश. वॉल्यूम ऑफ हाइपो सॉल्यूशन रिक्वायर क्या दे रखा है? 100 ml KNO4 है. KNO4 इज रिएक्टिंग विद Na2C2O4 211 के आसपास आ रहा है शायद. इतना ही आता है मुझे भी, इतना ही याद आ रहा है. 211.6. हाँ सही बोल रहे हो, 211.67 आ रहा है. आसान सा ही है, अभी तक 2 थी, अब इस बार 3. बैलेंसी वेक्टर बताओ SNS का कितना आएगा? -2 से +6 में जा रहे हैं ना सल्फर, तो 8 आ रहा है. शाबाश. नीचे वाले का n फैक्टर बोलो बच्चों. 1 और 8. शाबाश. यहाँ +2 में है और यहाँ +6 में है, तो इसका बैलेंसी फैक्टर 8 और इसका 1.
मोलैरिटी तो दो ही रहेगी। अगर आप लोगों ने इतना लिख लिया तो समझ लो आगे तो क्वेश्चन हो ही गया होगा। चलो बेटा शुरू करें। मैं मान लेता हूं ऊपर यूज हो रही है AML, तो दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर देता हूं, तो बेटा क्या आएगा 5 नहीं मोलैरिटी, पहले कुछ भी लिख लो यार, मल्टीप्लाई में तो कोई भी आगे पीछे चल जाता है। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ए बटे 1000 इंटू बैलेंसिंग फैक्टर 5 बराबर, इसका बताओ बेटा मोलैरिटी है 1/10, वॉल्यूम है 100 ml का मतलब बेटा 1/10 liters, तो कितना आ गया 1/10 liters और इंटू बैलेंसिंग फैक्टर 2, तो बेटा जरा बताओ ए की वैल्यू आ गई क्या यहां से, ट्रिंग और ये ट्रिंग हो गया और ये ट्रिंग और ये ट्रिंग हो गया, तो ए की वैल्यू 2 ml आई क्या बेटा ऊपर, दो ही आ रहा है ना, तो यानी ऊपर कितना यूज हो गया 2 ml यूज हो गया, ठीक है। चलो यहां मैं मान लेता हूं 2 ml यूज हो रहा है, अब मैं फिर से लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दूंगा, इसके और इसके इक्विवेलेंट बराबर कर दूंगा, तो बेटा क्या आएगा मोलैरिटी 2 है, वॉल्यूम 2 ml है तो 1000 से डिवाइड कर दिया लीटर्स में आ गई, इंटू बैलेंसिंग फैक्टर 3 बराबर, यहां कितना आएगा बेटा 1/10 molar, वॉल्यूम है 1/10 liters और बैलेंसिंग फैक्टर 8, तो बेटा यहां से बी बताओ कितना आ रहा है 40/3 यस सर, कितना होता है ये 13.33 होता है क्या 13 पॉइंट कुछ यस सर 13.33 हाँ बस बहुत ज्यादा 3 नहीं ठीक है 2 ml यहाँ यूज हो गई और 13.33 यहाँ यूज हो गई, तो बेटा यहाँ कितनी बची होगी, टोटल कितनी लेके चले थे 100 ml, तो यहाँ कितनी बची होगी 100 - 15.33, तो कितना होता है ये बताओ 84.67 ठीक है 84.13 हो गया ना 15 हाँ ठीक है, अब यहाँ पे बराबर कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा बैलेंसिंग मोलैरिटी 2 बैलेंसिंग फैक्टर 1 और वॉल्यूम है 84.67 ml, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो बराबर, इधर कितना है बेटा मोलैरिटी है 1/10, वॉल्यूम x लीटर्स मान रखी है, तो यहां से बेटा x की जो वैल्यू आएगी वो लीटर्स में आएगी ठीक है, अगर यहां से ये दिख नहीं रहा होगा बी है बी आया 40/3 जो कि होता है 13.33, अब पूरा दिख रहा होगा शायद तो 1/10 इंटू एक्स और इंटू बैलेंसिंग फैक्टर कितना है बेटा 8, तो यहां से आपका एक्स आ जाएगा लीटर्स में आएगा, एक्स जो आ रहा होगा बेटा वो आ रहा होगा 0.21167 ऐसे आ रहा होगा yes, तो sir. अगर ml में पूछा है तो 211.67 ml ठीक है, चलो छाप लो बेटा, किसी को कोई तकलीफ कोई डाउट बेटा यहां तक नो डाउट सर, चलो शाबाश, थ्योरी नहीं है, थ्योरी क्या थ्योरी है, दो चार चीजें हैं वो याद करने वाली हैं वो मैं करा दूंगा, चक्कर जैसे नालायक को जब इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं तो सर फिजिकल लो, फिजिकल में आ गए तो सर थ्योरी चाहिए हा? चलो लिखो एक नोट लगा के लिख लो, फॉर मल्टीपल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस बेटा बताओ इक्विवेलेंट से जाएंगे या मोल से जाएंगे, मोल्स फॉर शाबाश, फॉर मल्टीपल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस कॉमा moving from one reaction to another
नेवर टेक रिमेनिंग इक्विवेलेंट्स, नेवर टेक रिमेनिंग इक्विवेलेंट्स, नेवर टेक रिमेनिंग इक्विवेलेंट्स, नेवर टेक रिमेनिंग इक्विवेलेंट्स। कैसे चलेंगे बेटा, या तो मोल्स में चल लो या फिर वॉल्यूम में चल लो, जैसे अपन यहाँ वॉल्यूम में चल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि बेटा वॉल्यूम में चल रहे हो, वॉल्यूम इनटू मोलरिटी, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ही मिल जाएंगे, मोलरिटी तो फिक्स ही रहेगी, ठीक है? नेवर टेक रिमेनिंग इक्विवेलेंट्स फुल स्टॉप। वी कैन टेक रिमेनिंग मोल्स और रिमेनिंग वॉल्यूम, 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 ठीक है? एक क्वेश्चन और करो, फिर टाटा बाय बाय। लिखो बेटा क्लोरीन वाटर, क्लोरीन वाटर क्या होता है? Cl2, Cl2 सॉल्यूशन को भी बोलते हैं, ठीक है? क्लोरीन वाटर इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ Ki, 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 फुल स्टॉप। The I2 liberated requires, बेटा ऊपर देखो लिखा हुआ है requires 100 ml 4/5 molar hypo, requires 100 ml 4/5 molar hypo solution, ठीक है? बेटा पहली लाइन क्या लिखी है आप लोगों ने? क्लोरीन वाटर इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ Ki, क्लोरीन वाटर के आगे 200 ml क्लोरीन वाटर लिख लो, 200 ml क्लोरीन वाटर ये लिख लो, क्लोरीन वाटर मत लिखो, 200 ml क्लोरीन वाटर, उसके आगे एक शब्द और जोड़ लो 200 ml, the I2 liberated requires 100 ml 4/5 molar hypo solution, full stop. Find the concentration of chlorine water, find the concentration of chlorine water, find the concentration of chlorine water. चलो भैया रिएक्शन बताओ आगे, आपकी रिएक्शन नहीं दी है एग्जाम में, बताओ बेटा कैसे करेंगे? बेटा सभी लोग ऊपर देखो, सभी लोग ऊपर देखो बेटा, अपने को ये पता है क्लोरीन एसआरपी टेबल में नीचे और आयोडीन ऊपर है, ऊपर है, तो क्लोरीन क्या करेगा, आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद को रिड्यूस कर लेगा क्लोराइड में, रिड्यूस, तो सीएल माइनस में चला जाएगा और इधर आई टू बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा क्या? और दूसरी बात क्या है, उन्होंने खुद क्वेश्चन में बोला है द लिबरेटेड आई टू, जब आपने क्लोरीन वाटर को रिएक्ट कराया है पोटेशियम आयोडाइड से, तो उन्होंने खुद बोला कि भैया आई टू लिबरेट हो रही है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ना बोला होता तब भी आप समझ जाते क्या लिबरेट हो रहा है, आई टू लिबरेट हो रही है, ठीक। अच्छा बेटा
इस रिएक्शन को देख के कुछ जाना पहचाना नजर आया क्या? हाँ याद करो मैंने जब आपको पी ब्लॉक पढ़ाया था तब मैंने बोला था ये वाली रिएक्शन अगले चैप्टर में भी आएगी और वो भी एक बार नहीं दो तीन बार आएगी, चार पांच बार आएगी, छह सात बार आएगी और अपने आप ही रट जाएगी। तो बेटा देखो वक्त आ गया है, बताओ क्या बनेगा। आई माइनस ऑफलाइन वाले बच्चों ने बता दिया था ये एस फोर ओ सिक्स टू माइनस, यहाँ पे सल्फर ढाई में चली जाती है, यहाँ से प्लस दो में है। अच्छा बेटा आपको मैंने एक रिएक्शन और लिखवाई थी कि अगर आयोडीन की जगह सीएल टू होता तो सल्फर कहाँ चला, प्लस सिक्स में चला जाता है। ठीक है हाँ शाबाश, ये वाली रिएक्शन आपको पी ब्लॉक के नोट्स में लिखवाई थी और ये वाली याद कर लेना, बहुत काम की है, बार बार आएगी याद हो ही जाएगी अपने आप। Na2H2O3 से कहाँ चला जाएगा, S4O6 2 माइनस। ठीक है चलो बेटा इसका डेटा दे रखा है, वैलेंसी फैक्टर बताओ। प्लस दो से कहाँ जा रहा है, ढाई में, तो आधे का चेंज है और इधर दो तो कितना आ गया एक। ठीक है इसका वैलेंसी फैक्टर बताओ बेटा, जीरो से माइनस वन में जा रहा है तो एक का चेंज है दो है तो दो आ गया। ठीक है इसके मोल्स में एन वन मान लू, ठीक है बेटा आवाज बंद कर दो, कौन है ये। ठीक है अथर्व जी जो आप पूछ रहे हो तो बेटा सीएल टू बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन आई टू। ठीक है तो जब I2 वाला ढाई में ले जा रहा है तो Cl2 वाला उससे ऊपर ही ले रहा है, सिक्स में ले जाता है प्लस सिक्स में। ठीक है अब बेटा ऊपर देखो सभी लोग, अपने से इन्होंने पूछा है इसकी वॉल्यूम दे रखी है 200 ml, 200 ml को मैं 1/5 liter लिख देता हूं और इसकी कॉन्सेंट्रेशन पूछी है तो मैं उसको ए मोलार मान लेता हूं और इसका बैलेंसी फैक्टर बताओ बेटा कितना है, जीरो से जा रही है माइनस वन में इधर है दो तो बैलेंसी फैक्टर कितना है दो। ठीक है अब बेटा ये सोचो उन्होंने हाइपो का डेटा दे रखा है, ठीक है हाइपो का डेटा दे रखा है, ये वाली रिएक्शन याद कर लेना बेटा, ठीक है दो तीन बार आएगी खुद ही याद हो जाएगी लेकिन याद कर लो, हाइपो का डेटा दे रखा है और वो क्लोरीन की बातें कर रहे हैं तो बेटा जरा ये बताओ हाइपो को क्लोरीन से रिलेट करने वाला क्या ये आयोडीन है, बताओ बेटा। क्यों, क्योंकि जितने मोल ऊपर से बने होंगे वही तो नीचे आएगी आयोडीन, जितने मोल आयोडीन के ऊपर बने हैं उतने ही तो नीचे आए हैं तो मैं मान लेता हूं ऊपर मोल्स कितने बने बेटा एन वन, तो यहां भी मोल्स कितने आए होंगे एन वन आए होंगे क्या। यस सर। ठीक है इक्विवेलेंट में क्यों नहीं चल रहे, मैं मान लेता ऊपर उसके एक्स इक्विवेलेंट बने तो नीचे भी एक्स इक्विवेलेंट आए होंगे, बताओ ना सर। वैलेंसी फैक्टर अलग होगा, इक्विवेलेंट में नहीं चलते हैं, व्हेनेवर मूविंग फ्रॉम वन रिएक्शन टू अनदर रिएक्शन आप तो ये आदत कभी बनाओ मत इक्विवेलेंट में चलने की, लेकिन यहाँ पे अगर आप इक्विवेलेंट में भी चलते ना तब भी आंसर सही आ रहा था, बताओ क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी वैलेंसी फैक्टर इसका दो है और यहाँ पे भी इसका वैलेंसी फैक्टर दो ही है, दो है। आप इक्विवेलेंट से भी चलते ना तब भी आपका आंसर आ जाता, लेकिन गलत आदत नहीं डालनी अपने को। ठीक है मोल्स में ही चलो वही सबसे बढ़िया है, मोल्स वाला कभी दिक्कत नहीं देगा, इक्विवेलेंट वाला दिक्कत दे जाता है। ठीक है तो आप तो ये याद रखो व्हेनेवर मूविंग फ्रॉम वन रिएक्शन टू अनदर मोल्स में चलो वॉल्यूम में चलो लेकिन इक्विवेलेंट में मत चलो। ठीक है चलो बेटा पहले इसके एन वन निकाल लें क्या, नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर दो बराबर इसके इक्विवेलेंट्स कितने आएंगे बेटा, 4/5 इंटू वॉल्यूम 1/10 इंटू बैलेंसी फैक्टर एक, तो बेटा कितना आ गया 1/25, एन वन कितना आ गया 1/25, तो बेटा अगर इसके मोल्स 1/25 है तो ऊपर रिएक्शन में बने कितने होंगे 1/25 बने होंगे, तो बेटा आप जरा ये बताओ क्या मैं इनमें और इनमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दूं, बताओ बेटा इक्विवेलेंस ऑफ सीएल टू बराबर इक्विवेलेंस ऑफ आई टू। ठीक है एक काम अपन ये भी कर सकते थे, बताओ बेटा क्या, चलो मैं बताऊंगा बाद में पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, आई माइनस लिख के ए इंटू वॉल्यूम 1/5 इंटू बैलेंसी फैक्टर दो बराबर नंबर ऑफ मोल्स 1/25 इंटू बैलेंसी फैक्टर दो, तो बेटा कितना आया यहां से 5,
और ये दो कट गया, तो एक कितना आ गया 5 मोलर, तो 0.2 मोलर आया क्या बेटा आप लोगों का आंसर? यस सर। ठीक है, तो 0.2। अरे भैया यार चपड़ा दे दिया करो, कब खत्म होगा? हो जाएगा जब होना होएगा। अभी 3 लेक्चर तो हुए, 3 लेक्चर में थोड़ा खत्म हो जाएगा यार। चलो ऊपर देखो बच्चों, एक तरीका ये भी और था बेटा, बताओ क्या तरीका एक और हो सकता है। हाँ अबे रिएक्शन ऐड वगैरह मत करना अर्चित जी, इतना दिमाग नहीं लगाना होता है, रिएक्शन ऐड मत करना, गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगी। मोल धोना चल रहा है, रिएक्शन ऐड कर दिया। हाँ अलग अलग रिएक्शन है, क्लोरीन इसको अगर ऐड करोगे ना, क्लोरीन प्लस ये हाइपो प्लस 6 में ले जाएगा, जबकि यहाँ कितने में जा रहा है, 2.5 में जा रहा है। ऐड वगैरह मत करना, इतनी वो नहीं करते अपन, गलत हो जाएगा वो। हाँ बेटा सर डीपीपी का सॉल्यूशन बना दीजिए। अरे बेटा सेटअप ही नहीं है, वरना तो मैं बना ही देता। वी विल डिस्कस इन क्लास, डोंट वरी। अरे भैया इसका एक और तरीका बताओ क्या हो सकता था, बोलो। I माइनस के चुपचाप अपन रिएक्शन बैलेंस करके मोल मोल खेल लो, ऐसा भी तो कर सकते थे। हाँ लेकिन मोल मोल खेलने के लिए रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। तो इससे बढ़िया क्या है, इक्विवेलेंस खेल लो। ठीक है, अगर कभी रिएक्शन बैलेंस हो ना, अरे भैया आप ऐसा भी तो कर सकते थे, रिएक्शन बैलेंस हो तो इसके इतने मोल से इतने मोल बनते, तो इसके इतने मोल बने तो बताओ इसके कितने मोल होंगे, ये भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है चलो, और कोई डाउट बेटा, एनी अदर डाउट टू एनीवन? सर पीओएसी तो लगा सकते हैं। हाँ पीओएसी वगैरह सब ठीक है सर। हाँ बेटा सर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा इसके बाद? नहीं 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 नहीं, सारा जितना यूज हो रहा है मैं यही लिखाई देता हूँ। ठीक है चलो, और कोई डाउट, एनी अदर डाउट टू एनीवन? चलो बेटा, डेट विल बी ऑल विद रेस्पेक्ट टू टुडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंजॉय योर डिनर, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सर, गुड।